और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे देहरादून में, सुनिए। इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज विभिन्न विभिन्न योजनाएं जो यहाँ जिनका लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं के लिए मैं आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की हमको आवश्यकता है, और जब हमारा राज्य बन रहा था, राज्य बनते समय जो राज्य की मूल अवधारणा में था कि ये राज्य हमारा ऊर्जा प्रदेश बनेगा, निश्चित रूप से हम कुछ आगे बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है, इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। और इसमें अक्षय ऊर्जा, उरेडा, इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, वास्तव में उसके लिए हमको बहुत सारे अन्य विकल्पों पर भी विचार करना है। उसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व बहुत अधिक है, और पूरे देश में इसका महत्व और पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत हैं वो बहुत सीमित हैं, एवं इनके प्रयोग से जो हमारा पर्यावरण है उसको भी बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। और कल ही हमारा राज्य देश का नहीं दुनिया का पहला राज्य बन गया जहां GEP सूचकांक इंडेक्स जो है हमने यहां पर शुभारंभ कर दिया, वो इंडेक्स हमने कल जारी किया। आप सब लोगों ने आज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञान विज्ञान के समय में हमारे लिए विकास भी जरूरी है, और विकास के साथ साथ जो हमारी इकोलॉजी है वो इकोलॉजी भी हमारी बराबर बनी रहे, जो हमारी विशेषता है। आज नवीनीकरण ऊर्जा के जो स्रोत हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो स्रोत भी बहुत ही असीमित हैं, और ये हमारे पर्यावरण को भी बड़े स्तर पर एक तरह से मैं कहूँ संरक्षित रखने में, अपना योगदान देने में बहुत ही सक्षम है। इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत, पारंपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के एक बेहतर जो ऑप्शन होते हैं, बेहतर जो विकल्प हैं, उसके रूप में उभरे हैं। हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ग्लासगो में संपन्न हुई